हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल निफ्टी ट्रेडर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पुट कॉल रेशियो। पीसीआर जनरली ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक रेशियो है जो हमें बताता है पुट्स और कॉल के रेशियोज के बारे में, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स या फिर ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि हम जानते हैं कि कैलकुलेशन एक रेशियो है पुट्स और कॉल्स का, तो इसका पीसीआर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और ओआई कुछ ऐसा रहता है। अब बात करते हैं कुछ इंटरप्रिटेशंस की पीसीआर के। तो जब पीसीआर का रेशियो इक्वल्स टू 1 आता है तो ये बहुत ही न्यूट्रल मार्केट कहलाता है। जब ग्रेटर देन 1 होता है तब बियरिश मार्केट कहलाता है, एंड जब लेस देन 1 होता है तो बुलिश मार्केट कहलाता है। अगर बात करें हम पीसीआर की, तो आप हमारी साइट पे जाएंगे, आपको वहीं पे निफ्टी 50 का पीसीआर एनालिटिक्स ऑप्शंस का दिख जाएगा डायरेक्ट होम पेज पे ही। तो अगर हम निफ्टी के पीसीआर की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ही पीसीआर मूव करता है। जनरली आप देख सकते हैं ब्लू लाइन डिनोट कर रही है पीसीआर, रेड लाइन डिनोट कर रही है निफ्टी 50, और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम पीसीआर की बात करें तो वो भी कुछ इस तरह से ही मूव करता है, जनरली साथ में फ्लो करता है। तो अगर मोस्ट ऑफ द पीपल बाइंग कर रहे हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए और एक बार के लिए रीथिंक करना चाहिए, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चांसेस हैं कि मार्केट होल्ड पे रह जाए, न्यूट्रल हो जाए या थोड़ा सा फॉल भी कर जाए, तो उस टाइम के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। कई बार होता है, जैसा कि हमने देखा होगा, मार्केट एक रेंज में स्टे कर जाता है जहां सेलर्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाते हैं, पर बायर्स जो पुट्स या कॉल्स दोनों ही ले रहे हैं उनको इतना प्रॉफिट नहीं आता। इसीलिए पीसीआर की एप्लीकेशन वहां यूज है जब पीसीआर राइजिंग हो तो हमें बता दे कि हमें अवॉइड करना है पुट्स को बाय करना, और अगर पीसीआर फॉलिंग हो तो हमें समझ जाना चाहिए अभी कॉल्स बाय करना इज नॉट एन प्रॉफिटेबल ऑप्शन। राइजिंग पीसीआर एट टाइम्स लीडिंग या लैगिंग इंडिकेटर हो जाता है। राइजिंग में चांसेस हैं कि मार्केट बुलिश है और फॉलिंग में चांसेस हैं कि मार्केट बियरिश है। ये हमारा था पीसीआर विद ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। ये हमारा पूरे दिन का रहता है, समराइज्ड होता है। वहीं अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो हम पीसीआर इन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लेते हैं। आप अगर हमारी साइट पे देखेंगे तो ऑप्शंस में जाके स्टॉक ऑप्शन चेन, जो अभी हमने रिसेंटली अपडेट करके एक नया फीचर ऐड किया है, तो उसमें जाके आप सेटिंग से चेंज ओआई पीसीआर भी देख सकते हैं। तो ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। यही अगर हम बात करें चेंज ओआई पीसीआर की, तो इसका एप्लीकेशन हमारे लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही यूज़फुल है। एज आप समझ सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन क्विकली देता है कंपैरेटिव टू ओआई पीसीआर, क्योंकि वो फुल डे का स्ट्राइक्स को कंपेयर करके होता है और ये इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है। इसमें अगर पीसीआर मोर देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि बाइंग पुट्स की ज़्यादा हो रही है, एंड इसीलिए मार्केट बुलिश ट्रेंड पे जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेडिशनल पीसीआर दैट इज इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 डजंट रियली वर्क। इसके लिए हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो वो रेगुलरली अपडेट की जाती हैं एज पर सेबी एंड एनएससी रूल्स। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, तो अगर हम जब मार्केट 19500 पे है तब एज ट्रेडर्स कॉल सेल कर रहे हैं 19700 पे एंड परचेज कर रहे हैं कॉल्स 20,000 से 20,500 की रेंज में, तो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमाइज रहेगा। अगर मार्केट कंटिन्यू करता है 19700 पे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, या वो रेंज बाउंड रहता है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज़रूर बन गया है। पर अगर हम पीसीआर की बात करें तो वो मैन्युपुलेट तो हुआ है परचेज और सेल्स के लिए, बट नेट पीसीआर पे कोई इफेक्ट नहीं आया है,
इसलिए कहा जाता है कि पीसीआर की वैल्यू से ज़्यादा हमें उसका ट्रेंड देखना चाहिए। अगर हम हमारी साइट से बात करें पीसीआर की, तो आप जैसे ही निफ्टी ओआई लाइव चार्ट में देखेंगे तो आपको पीसीआर और पीसीआर ऑल के दोनों के ऑप्शंस दिखेंगे। इनमें आपको कॉल्स और पुट्स का टोटल ओआई दिख जाएगा। तो जैसे ही आप ऑल का सेट करते हैं स्ट्राइक लिमिट, तो आपको पूरे स्ट्राइक्स का व्यू आ जाएगा एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नियरेस्ट 5 स्ट्राइक्स 10 स्ट्राइक्स भी सेट करके पीसीआर कैलकुलेशन रन कर सकते हैं। इसी तरह आपको हमारी साइट के थ्रू निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर, लाइफ मैक्स पेन और इस सिर्फ निफ्टी 50 का ही नहीं, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का, सभी का डाटा आपको मिल जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग इन सब का पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर भी देख सकते हैं हमारी ही साइट पे और आप अपनी कैलकुलेशंस उस हिसाब से रन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर की, तो हम देख सकते हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है मार्केट के मूवमेंट्स और डायरेक्शंस को समझने के लिए। पर इसी के साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि मैन्युपुलेशन बहुत इजीली पॉसिबल है जैसा कि आपने देखा हमारे एग्जांपल में। तो हमें हमारी जजमेंट्स खुद लेने चाहिए एंड सबका कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमें बाकी फैक्टर्स भी कंसिडरेशन में लेने चाहिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। होप आपको ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट।